अब बारी है एक और पोस्ट लंच स्नैक की। ध्यान, पोस्ट लंच या पोस्ट स्कूल स्नैक्स जो हैं वो अपने आप में एक कैटेगरी है, और खाने के बाद में डिनर से पहले कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो अच्छी हो, टेस्टी हो, डिलिशियस हो। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। हमारे घर में ये चीज़ इतनी फेमस थी और आज भी है, ब्रेकफास्ट में मिल जाती है, कभी शाम को भी, कभी भी। तो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि क्या है। बहुत ही सिंपल है लेकिन इतनी टेस्टी है कि आप कहेंगे कि वाह, दुनिया का बेस्ट बर्गर इसको कम्पीट नहीं कर सकता। एकदम सिंपल चीज़ है। तो इसके लिए थोड़ा सा तेल, इसमें जीरा, अच्छा, और इसके लिए चाहिए ये, आप पाव ले लें, बन ले लें, मैं तो ब्राउन वाले इस्तेमाल करता हूँ, आप भी वही इस्तेमाल करें। इसे हमें काट लेना है, एकदम सॉफ्ट है ये बीच में से, इस तरह से, पूरा ना काटें। आप देखेंगे कि ये इतनी सिंपल सी चीज़ है लेकिन हिट चीज़ है, हिट। बीच में से काट लिया, जीरा अगर हो गया हो तो फिर उसके अंदर, हाँ जीरा हो गया, इसके अंदर स्लाइस किया हुआ प्याज, और बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो ये, उतना ही इंतज़ार करना है हमें। हल्का सा ये सॉफ्ट हुआ और फिर इसके अंदर लाल टमाटर कटे हुए, इसी तरह से लंबे लंबे कटे हुए टमाटर, ये देखिए प्याज और टमाटर, और इसके अंदर हम डाल देते हैं नमक और लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च ये ज्यादा नहीं डालें, और इसे मिक्स कर लेते हैं। एक मैंने तवा गर्म होने के लिए रखा है, तो इस तवे में क्या चाहिए, देखिए टमाटर में से रस निकलने लग गया, और इसमें डालेंगे हम थोड़ी चीनी। तो नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी चीनी, और अब इसे थोड़ा सा और पकाना है बस। और ये जो है हमारे पास, चाहे तो इसमें थोड़ा सा मक्खन लगा सकते हैं, नहीं तो मक्खन के बिना भी इसे बना सकते हैं ये। और अब ये जो है ये मिक्सचर तैयार, प्याज टमाटर, बस इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ये मॉइस्ट रहना चाहिए। ये जो हमारे पास पाव हैं, बन हैं, ये ले लें, और ये देखिए इसको डाला इसके अंदर इस तरह से, और इसे चाहे तो थोड़े से तेल या मक्खन में पका लें। ये लिया, इसको लिया, प्याज और टमाटर, थोड़ा सा मक्खन, इसको बनाने में भी थोड़ी सी एक ट्रिक है, वो क्या, जब आप इसे बना रहे हो तो इसे दबा दें इस तरह से ये, और फिर इसे पलट के दूसरी तरफ भी, और इसे थोड़ा सा क्रिस्प होने दें ये। इससे क्या होगा, इसे अच्छी तरह से गर्म भी होगा, थोड़ा क्रिस्प भी होगा, फिर आप देखेंगे जो इतनी सिंपल सी चीज़ दिखने में लग रही है वो इतनी एडिक्टिव है कि कभी कुछ ना समझ आ रहा हो तो बस इसी तरह से इसको बनाएं, और गारंटी है कि बच्चे हमेशा पसंद करेंगे। प्योर वेजिटेरियन, गर्मा गर्म, और गारंटी टू प्लीज। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज स्लाइस की हुई, 5 टमाटर स्लाइस किए हुए, 8 ब्राउन बंस, 2 बड़े चम्मच तेल और शैलो फ्राई करने के लिए तेल, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच चीनी और मक्खन आवश्यकता अनुसार। इसे बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें जीरा और प्याज डालकर भून लें, फिर टमाटर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और चीनी डालकर मिलाएं और कुछ देर पका लें। ब्राउन बंस में चीरा लगाकर इसमें मक्खन और तैयार मिक्सचर को लगाएं, फिर इसे गर्म तवे पर मक्खन लगाकर दोनों तरफ से सेकें और गर्मा गर्म सर्व करें।